केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। मौलानाद्दीन साहब सदर जलसा अमजद साहब और तमाम जिम्मेदारान और आगे बैठे हुए मेरी माँ और बहनों भाई और बुजुर्गो अस्सलाम वालेकुम। आप सबको यौम आजादी की बिलखुसूस मुबारकबाद दिया खुशामदीद। बहुत ही मुबारक दिन है, खुशियों वाला दिन है। आज सुबह से हम खुशियां मनाते रस्ते में गले गलियों में मोहल्लों में इस हमारा तिरंगे को लहराते हुए मिठाइयों को बांटते हुए खुश गले मिलते हुए आज सारा दिन हमने बिताया है। आजादी तो हमें मिल गई लेकिन क्या आप इस आजादी को महसूस कर रहे हैं? सवाल यह है। 75 साल हो गए आजादी को मिलकर लेकिन आज भी 77 साल हो गए लेकिन आज भी हम गुलामों की तरह जिंदगी जी रहे हैं। खुशियां तो हमने मना ली, मिठाइयां तो हमने बांट दी लेकिन आज भी वही दिल में वही खौफ वही डर जो अंग्रेजों के दौर में था आज भी उसी डर और खौफ से हम जी रहे हैं। हमारी इज्जतदार माँ और बहने यहां पर तशरीफ फरमा है, उनके ऊपर भी बहुत बड़ी पाबंदी लगाई गई थी हिजाब की। हमारे खाने पीने के तरीके पर तहजीब कमीज पर हर चीज पर रोक टोक लगाई गई। सिर्फ मुसलमान नहीं हिंदुस्तान का हर शहरी आज परेशान है, चाहे वो किसान हो दलित हो आदिवासी हो कोई भी हो, अपना लिबास पहनकर बाहर जाने से डरता है, दाढ़ी रखने से डरता है। हमारा जो खाने का तौर तरीका है उस अनाज को इस गिजा को खाने से हमें डर है, हमें मारा पीटा जाता है, लिंच किया जाता है। क्या ये आजादी है? क्या ये दिन देखने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपना खून बहाकर इस मुल्क के सरजमीन को सींचकर आजादी दी थी? मैं जहां यहां से गुजर रहा था ऊपर से नीचे तक स्टेज पर आने तक मैंने देखा अशफाकुल्ला खान साहब का की तस्वीर, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब की तस्वीर, भगत सिंह की तस्वीर, मौलाना आजाद की तस्वीर, बहादुर शाह जफर सुभान अल्लाह उनकी तस्वीर,
बेगम हजरत पाल यहाँ है, आप मोहतरमा इधर देखिए, उनके कारनामे तो बहुत है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा उन्होंने क्या क्या किया था। आप थोड़ा गौर से देखिए, बेगम हजरत महल भी यहाँ है, बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने हमारा संविधान दिया था वो भी उनको भी मैंने देखा, मौलवी बासर मोहम्मद, ऐसे अनगिनत सैकड़ों शाहनवाज, कैप्टन शाहनवाज साहब जो सुभाष चंद्र बोस के साथ थे, आजाद हिंद फौज बनाने में उनका ताउन था, और जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया उनकी तस्वीर भी थी। तो मेरा सीना चौड़ा हो गया, 56 दिन का सीना, असली सीना उन जो हमारे शहदाओं को देखकर होता है। जो मोदी जो बोलते हैं मेरा 56 इंच का सीना है वो बकवास है, ठोंग है, असली 56 इंच का सीना आप सबका होगा जब आप इन तस्वीरों को देखकर फखर महसूस करेंगे, शान और सुल्तान महसूस करेंगे। बेगम हजरत महल जो यहाँ पर उनकी तस्वीर है, उन्होंने और झांसी लक्ष्मीबाई ने घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजों का मुकाबला किया था और अपनी जान देकर इस मुल्क आजादी की जंग में शामिल थे। अशफाकुल्ला खान शहीद से जब आखिरी ख्वाहिश उनकी पूछी गई तो उन्होंने कहा कि अगर बार बार जन्म लेने का होता तो मैं इस सरजमीन के लिए पैदा होकर इस सरजमीन की आजादी का लड़कर इस सरजमीन के लिए मैं अपनी जान देना चाहता हूं। तो यह है इन चौदाहों की शान और शक्कर, उनका जोश जज्बा जुनून। मंगल पांडे और मौलवी बाखर मोहम्मद को तोप के गोले से उड़ाया गया था लेकिन उन्होंने कभी भी माफीनामा नहीं मांगा। लेकिन आज जो सावरकर को, जो वीर सावरकर कहकर उसकी शान बढ़ाते हैं, उसने काले पानी के सजा पाकर चंद सालों में माफीनामे लिखकर अंग्रेजों के तलवे चढ़ने लगा था। तो भाई बुजुर्गो दोस्तों, ऐसी कुर्बानियों से हमें आजादी मिली थी। यहां पर नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, मोहतरमा मोहतरमा भी हैं। हमें फिर से एक आजादी की जंग लड़ने की आज जरूरत है। हम यहां से जंग आजादी का ऐलान करते हैं, फिर यह मुल्क गुलामी के शिकंजे में है, भारत मां रो रही है। अभी हमने हमारा तराना गाया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, कितने प्यारे बोल हैं। तो भाई और बुजुर्गों दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, हिंदुस्तान को फिर से आजादी की, फिर से आजाद कराने की जरूरत है। इस नाम की आजादी हमें जरूरत नहीं है। मैं आपको चौकन्ना करना चाहता हूं और आगाह करना चाहता हूं कि आने वाले दिन बहुत कठिन है। आप व्हाट्सएप के जरिए देख रहे हैं, फेसबुक पे देखते हैं कि दाढ़ी रूंछ रखने से मारा जाता है, जुबा पहनने से मारा जाता है, खाने पीने के तरीके पर मारा जाता है, मस्जिदों और चर्चों पर हमले हो रहे हैं। हिंदू मुस्लिम जो भाई भाई की तरह जीते थे, इनमें नफरत को फैलाया जा रहा है। ये आप सिर्फ व्हाट्सएप या फेसबुक पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने से कुछ नहीं होता, इससे और ज्यादा खौफ का मामला बढ़ेगा। आप सबको आगाह होना होगा, आप सबको सोचना होगा कि जैसे बेगम हजरत महल और इन 14 जो यहां से वहां तक सजे हुए हैं, जैसे इन्होंने कुर्बानी दी थी, जैसे इन्होंने जद्दोजहद की थी, ऐसी जद्दोजहद और कुर्बानी आपको भी देनी जरूरत है। अगर आप एक जिल्लत भरी जलील जिंदगी जीना नहीं चाहते तो आपको आगे बढ़ना होगा, इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। हम देख रहे हैं कि औरतों की नुमाइश हो रही है, उन्हें बेपर्दा किया जा रहा है, उनकी इज्जत आबरू को लूटा जा रहा है और खुलेआम वीडियो बनाकर वायरल कर रहा है। क्या यह है हिंदुस्तानी तहजीब कमीज? कोई भी मजहबी नहीं सिखाता,
जो ये हिंदुत्व के नारे लगाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं वो भी सुन ले। हिंदू मजहब भी औरतों की बेहुर्मती करना नहीं सिखाता। हिंदुस्तान में औरतों को देवी की तरह पूजा जाता है, उनकी आराधना की जाती है। इस्लाम में कहा जाता है कि मां के बोरों के नीचे जन्नत है। ईसाई कहते हैं कि बीबी मरियम की बारे में वो इज्जत अफजाई करते हैं। तो ऐसा है हिंदुस्तान की तहजीब तमीज। तो ये छोटे छोटे बच्चे जो यहां पर बैठे हैं, अगर इनका मुस्तकबिल आप अच्छा चाहते हैं, इनकी जिंदगी आप अच्छा चाहते हैं, जो आज हो रहा है औरतों की बेहुर्मती, मैं नौजवानों को गोश्त के नाम पर मारा जा रहा है, दाढ़ी रखने पर रेल में जाते लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, अगर ये रोकना चाहते हैं तो आपको इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी होगी, इस फैसिस्ट हुकूमत के खिलाफ आवाज उठानी होगी। जब जब इंतखाबात आते हैं, इलेक्शन में आते हैं, तो ऐसी पार्टी को आपको चुनना होगा जो इनके खिलाफ आवाज उठा सके, जो ये दम खम रख सके कि ऐसे जालिम हुक्मरानों के खिलाफ लड़ सके। तो भाई बुजुर्गो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस आजादी की अहमियत का एहसास हुआ होगा। तो बेगम हजरत महल से लेकर वहां पर मौलवी बाखर मोहम्मद जिन्हें तोप के गोले से उड़ाया गया था, उन सबको आप जाते हुए देखते जाइए, और जो कुर्बानियां उन्होंने दी थी वो तसव्वुर करकर आप अपनी जिंदगियों में उसे अमल करकर आप फिर से एक आजादी की जंग लड़कर फिर से हिंदुस्तान को आजादी कराने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया मैसूर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट।